बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग HCI के गोल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लिस्ट ऑफ HCI गोल्स देखेंगे, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ HCI गोल्स देखेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी हम लोग गोल्स स्टडी करेंगे उनको एक एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। लिस्ट ऑफ HCI गोल्स, जिसमें सेफ्टी, यूटिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी एंड अपील आते हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद दीज गोल्स, लेट्स सी वन बाय वन हाउ एग्जैक्टली दीज गोल्स आर वर्किंग। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी इज वन ऑफ द की कंसेप्ट इन HCI। दो कंपोनेंट्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज इजी टू लर्न, सिस्टम मस्ट बी इजी टू लर्न, एंड सेकंड इज सिस्टम मस्ट बी इजी टू यूज़, कि हमारा जो भी सिस्टम हो वो इजी टू लर्न हो एंड सेकंड इज इजी टू यूज़ हो। HCI इंट्रोडक्शन में हमने एक चीज़ को स्टडी किया था कि आजकल का जो दौर है उसको इंफॉर्मेशन एज या कंप्यूटर एज कहते हैं। So we know that laptops, computers, mobiles are used in each and every generation. From student to senior citizen, each and everyone used all the technological things. So the usability goals are easy to learn, easy to remember how to use, effective to use, efficient to use, safe to use and enjoyable to use. तो यूज़ेबिलिटी क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम होता है उसका जो यूज़ होता है उसको इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट, सेफ, इंजॉयबल होना ज़रूरी है। ये यूज़ेबिलिटी के गोल्स हैं। तो वैसे तो हम लोग फेमिलियर हैं इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी से, लेकिन फिर भी एग्जांपल पे जाने से पहले हम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज़ सेफ्टी, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी। ओके, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम डेंजरस कंडीशन एंड अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस। क्या हो गया कि यूज़र को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेंजरस कंडीशन एंड अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस। जब हम सेफ्टी को एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस बात का क्या मतलब है। Nowadays, safety is one of the major issue and handle the safety is one of the most important thing. Okay? Then हम बात करते हैं effectiveness की। Effectiveness means user ability to accomplish a desired goal, whatever you provide input to the computer or mobile, in return it provide the proper output. Okay? That is effectiveness. Then efficiency. Efficiency means how quickly user can accomplish their goals or finish their work using the system. Like आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं कि अपने कॉन्टैक्ट्स में से कोई एक नाम इंटर करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में कोई एक नाम इंटर कर देते हैं, लाइक महताब आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी एम महताब नाम के मेरे जो भी स्पेल्स आप लोग लिखेंगे अगर मैच कर गया तो वो आपको बता देगा कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो वो आपको नंबर दे देगा जितने भी आपके इस नेम के नंबर्स हैं, अगर नहीं है तो वो आपको बता देगा कि ये आपको आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी के कितना जल्दी आपका मोबाइल आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, HCI के गोल्स में हमने एक गोल देखा था अपील। अपील मीन हाउ वेल द यूज़र लाइक द सिस्टम। व्हाट इट मीन्स कि जब यूज़र सिस्टम को यूज़ करे तो वो क्या करे कि यूज़र गेट सेटिस्फैक्शन, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, एंड यूज़र यूज़ द पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, और यूज़र का दिल करे कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ। ठीक है, वो उन आपका जो भी डिवाइस है उसको कंफर्टेबली क्या करे यूज़ करे, दैट इज़ अपील।
अब जितने भी हम लोगों ने गोल्स स्टडी किए हैं उनको एक एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जांपल में हम लोग एमएस वर्ड को ले लेते हैं। सब ने एमएस वर्ड यूज़ किया है, सब लोग उससे फेमिलर हैं, सब फंक्शनैलिटीज से फेमिलर हैं कि हमें वर्ड किस तरह हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो वर्ड को लेके हम सबसे पहले सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेफ्टी हमें वर्ड में मिलती है, आप लोगों को क्या लगता है, मिलती है? हाँ मिलती है। किस तरह मिलती है, अभी देखें कि जब भी हम लोगों ने अपना एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद हमने सेव नहीं किया और हम लोग उसको एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड क्या करेगा, आपको कभी भी वहाँ से एग्जिट नहीं होने देगा, हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसको सेव करें पहले, ये बात कहेगा ना, दैट इज सेफ्टी। आपने डेस्कटॉप पे एक डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है एबीसी के नाम से, एक और डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं सेम लोकेशन पे सेम नाम से, आपको कभी भी वो सेव नहीं करने देगा, हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है, इस नेम का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो आप फाइल रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अगर आप यस करेंगे तो आपको पता है कि आपका जो पहली फाइल थी वो लॉस हो जाएगी। तो ये क्या है कि सेफ्टी हमेशा आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वार्न करेगा कि ये काम जो है पहले हो चुका है, ये काम सेव नहीं हुआ, हमेशा आपको हेल्प करेगा सिस्टम, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट इज सेफ्टी। देन इफेक्टिवनेस, बिल्कुल एमएस वर्ड हमें इफेक्टिवनेस भी प्रोवाइड करता है। किस तरह, आप देखें कि वहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस के लिए ऑप्शन होता है जिसमें हमारे पास सम वगैरह और बहुत सी डिफरेंट इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि इक्वेशंस को एडिट कर सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं, मतलब कि एमएस वर्ड किसी स्पेशल स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डेवलप नहीं हुआ, वो बाकी फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प करता है कि वो भी अपना डिजायर्ड वर्क वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, उनको जो भी ऑप्शन हैं, लाइक मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप देखें कि मार्केटिंग में मोस्टली वो क्या यूज़ करते हैं, मार्केटिंग प्रोसेसेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप शेप्स में देखें, शेप में आपको पूरे पूरे प्रोसेस मॉडल मिलेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि उन प्रोसेस मॉडल्स को यूज़ करके अपने बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट एफिशिएंसी, बिल्कुल एमएस वर्ड हमें एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। जब भी आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखते हैं, जब भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप देखें कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सारी सेटिंग मिल रही होती है, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, फर्स्ट पेज की जो सेटिंग थी आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट पे वही सेटिंग आपको मिलेगी, बेशक वो मार्जिन है, लाइन स्पेसिंग है, पेज नंबरिंग है, जिस तरह की भी चीज़ है, तो आपको डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट पे काम किया, एक पेज पे काम किया, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज पे जाके आपको सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, फिर वो करके फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए वहाँ पे आपको सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, कंप्लीट टेम्पलेट क्या हुआ है, सेट हुआ हुआ है, जब भी आप न्यू टेम्पलेट बनाएं उसी टेम्पलेट पे वर्क करें, और फिर अगर एक फाइल आपने अपनी बना लिया, उसकी लाइन स्पेसिंग सेट कर लिया, आपने उसके मार्जिन सेट कर लिए हैं, आपने नंबरिंग वगैरह सेट कर लिया, उसी फाइल को आप दोबारा यूज़ करना चाहें, एडिट करके दोबारा यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी है, कंट्रोल ए करके आप क्या कर दें, वो सारा जितना भी टेक्स्ट था उसको डिलीट कर दें, सेटिंग आपकी सेम रहेगी, सेटिंग उसने अप्लाई की हुई है, आपने मार्जिन रखे हुए हैं, नैरो नहीं रखे हुए, नैरो ख़त्म कर दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है, आपने क्या किया, लाइन स्पेसिंग आपने 1.1 से 1.15 से आपने 2.0 कर दी, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट पे अप्लाइड है, आप न्यू जो मर्जी डाटा डालें वो आपको सेम सेटिंग के हिसाब से सेट करके देगा, ठीक है, तो एफिशिएंसी भी हमें एमएस वर्ड में मिलती है। आफ्टर दैट यूजेबिलिटी, बिल्कुल यूजेबिलिटी भी है हमारे पास, किस तरह है यूजेबिलिटी में हम लोगों ने स्टडी किया कि यूजेबिलिटी हमें दो तरह से हेल्प कर रही होती है, क्या होता है, इजी टू लर्न होता है, इजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज़, ठीक है, देखें इफेक्टिव, इजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज़, इफेक्टिव टू यूज़, एफिशिएंट टू यूज़, सेफ टू यूज़, ये चीज़ें तो हमने देखी, इन्जॉय टू यूज़, अब यहाँ पे जो बात हो रही है इजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज़ एंड इजी टू लर्न, अब देखें वहाँ पे आपके एमएस वर्ड में
हर ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ आइकन्स हैं, और वो आइकन्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं रियली, हम देख के हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस ऑप्शन ने मुझे किस तरह की हेल्प करनी है। लाइक कट कॉपी पेस्ट है, वही आप देख लें तो वो आपको गाइड कर देते हैं। कट के आगे एक सीजर सी बनी हुई है, तो आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा। मुझे पता चल गया है कि ठीक है ये कट का ऑप्शन है, ठीक है। तो वो इतना अच्छे से मैनेज हुआ हुआ है कि यूजेबिलिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। किसी भी एज का बच्चा जो है वो एमएस वर्ड को यूज़ कर सकता है। टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कोई भी बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा है, हर बंदा एमएस वर्ड को यूज़ कर सकता है। यूज़र लिमिट नहीं है वहाँ पे कि सिर्फ इसी तरह का बंदा एमएस वर्ड को यूज़ कर सकता है। दीज आर द गोल्स ऑफ एच सी आई। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए या फिर कोई हार्डवेयर डिज़ाइन किया जाए, तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है हमेशा के ये जो गोल्स हैं एच सी आई के गोल्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के गोल्स, ये हमेशा क्या हो रहे हूँ उसमें फुलफिल हो रहे हूँ। वही सॉफ्टवेयर, वही हार्डवेयर मार्केट में सक्सेसफुल रहता है। हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो अब आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब भी आप हार्डवेयर देखें ना, कैमरा देख लें, कैमरे की एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैमरे के एग्जाम्पल देखें तो आपको कैमरे को यूज़ करने के लिए कोई भी मैनुअल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई एक स्पेशल फंक्शन हो सकता है जिसके लिए शायद आपको मैनुअल देखना पड़े, जहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस हैं कि आप उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। कैमरे के हर बटन के ऊपर गाइडलाइन मौजूद होती है, सिंबल बना होता है कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ हम वो सिंबल देख के ही समझ सकते हैं कि अच्छा इस बटन का ये फंक्शन है, इस बटन का ये फंक्शन है। हमें स्पेशल कोई मैनुअल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप को देख लें, पोर्ट्स देखें लैपटॉप की, हर पोर्ट के साथ आपको एक सिंबल बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जो क्या करता है, ये यूजेबिलिटी है, ठीक है, यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपको वो दिखा रहा है कि हर सिंबल जो, हर पोर्ट जो है उसके साथ सिंबल बना हुआ है। आप देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये केबल है, ये वाली पोर्ट जो है ये इस केबल के लिए है, ये वाली पोर्ट जो है ये इस केबल के लिए। आप अपना मदरबोर्ड खोल के देख लें, ठीक है, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। उसका पोर्ट्स का आर्किटेक्चर देखें, हर एक चीज़ का, रैम किस तरह लगानी है, किस तरह पुट करनी है, हम लोगों ने उसको किस तरह आउट करना है, हर चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यूज़ेबिलिटी हार्डवेयर में किस तरह यूज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर में किस तरह यूज़ हो रही है। आप अपना कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड में हर एक कीबोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप देखें कि सिंबल्स बने हुए हैं, हर की के साथ सिंबल्स बने हुए हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सिंबल इसके लिए है, ये सिंबल इसके लिए है, ठीक है। दीज आर द गोल्स ऑफ एच सी आई। दैट वाई एच सी आई इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई वी स्टडी एच सी आई, कि हम अपने हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करें, हम अपने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करें कि एच सी आई क्यों ज़रूरी है। तो एच सी आई के गोल्स स्टडी करने के बाद हमें समझ आ गई है कि एच सी आई क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसकी नीड क्या है। फैक्टर्स इन एच सी आई, फैक्टर्स मीन्स दैट आर इफेक्टिंग एच सी आई वैन वी बिल्ड अ सिस्टम, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, द यूज़र इंटरफेस, टास्क फैक्टर, कंस्ट्रेंट, सिस्टम फंक्शनैलिटी, प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल के टिकटिंग सिस्टम, ठीक है, उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसको डिज़ाइन करते वक्त हम लोग किस तरह कंसीडर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग के सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त हम ये देखेंगे कि हमें इसके लिए ट्रेनिंग्स की ज़रूरत तो नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। अभी जब हमारा सिस्टम बन गया तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। लाइक जब हमने LMS था हमारे पास, तो आपने देखा कि हम सब टीचर्स की वर्कशॉप हुए, टीचर्स को बताया गया कि इसको यूज़ कैसे करना है, शायद स्टूडेंट्स की भी हुई होंगी। तो इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सॉफ्टवेयर लाती है तो वो देखती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा ट्रेन करने की हमें ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट जॉब डिज़ाइन के इस सिस्टम को जब हम ला रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो जॉब्स हैं उन्हें किसी तरह से इफेक्ट तो नहीं कर रहा, न्यू जॉब्स हमें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी इसके लिए,
देन पॉलिटिक्स, रोल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें नॉइस, हीटिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन वगैरह ये चीज़ें आती हैं कि सॉफ्टवेयर को जब हम यूज़ करें तो हीटिंग वगैरह तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं होती। ये सारी चीज़ें जब आप देखते होंगे कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर जब हैवी सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करें तो आपकी डिवाइस हीट करना स्टार्ट हो जाती है, अक्सर मोबाइल हीट करने लगते हैं। तो ये इसके जो फैक्टर्स हैं ये कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में आपका, कौन से टेम्परेचर में आपका सिस्टम हीट कर रहा है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर्स, इसमें ये देखा जाता है कि ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है इसकी वजह से किसी किस्म का कोई स्ट्रेस इंड्यूस तो नहीं हो रहा, इसकी वजह से कोई लोगों को हेडेक वगैरह तो नहीं हो रहा, और कोई अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो भी यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। एंड देन द यूजर, जिसमें मोटिवेशन, एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इसको यूज़ करके, आपके सिस्टम को यूज़ करके जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना मोटिवेट हो रहे हैं, कितना उसको इंजॉयमेंट से मुराद ये है, ज़ाहिर है उनका काम जल्दी हो रहा है तो वो उसको उनका टाइम जल्दी टाइम की बचत हो रही है, ठीक है, तो वो उसे इंजॉय ही करेंगे ना, कि जल्दी फ्री हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, उन्हें हेडेक वगैरह किसी किस्म का नहीं होता, टेंशन नहीं होती कि ये काम जो है ये बर्डन मुझे लेके बैठना पड़ेगा, अब मैंने ये मैनुअली इतना वर्क करना है। जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम उनका काम कर रहा है तो वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग पे लगा दी और वो आराम से बैठ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कम्फर्ट फैक्टर, जिसमें सीटिंग इक्विपमेंट ले आउट्स के सीटिंग्स वगैरह ठीक हैं नहीं, इक्विपमेंट सारे हमारे पास मौजूद हैं, ऑफिस का ले आउट वगैरह कैसा है, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। यूज़र इंटरफेस के इनपुट डिवाइस किस तरह की होगी, आउटपुट डिवाइसेस किस तरह की होंगी, डायलॉग्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कलर्स कौन से यूज़ होंगे, आइकन्स कौन से यूज़ होंगे, कौन सी कमांड्स यूज़ होंगी, ग्राफिक्स किस तरह का होगा, नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होंगी, ये सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस में कंसिडर की जाती हैं। देन टास्क फैक्टर, कि टास्क ईजी है, कम्प्लेक्स है, या फिर इसके लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स आप लोगों को पता है कि लिमिट्स होती हैं कि हमारे पास किस तरह का कंस्ट्रेंट है, वो कास्ट कंस्ट्रेंट तो नहीं है, टाइम स्केल कंस्ट्रेंट तो नहीं है, बजट का कंस्ट्रेंट तो नहीं है, स्टाफ हमारे पास पूरा है, इक्विपमेंट हमारे पास कंप्लीट है, बिल्डिंग हमारे पास ठीक है, बिल्डिंग में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंस्ट्रेंट्स में आ जाती हैं, कंसिडर की जाती हैं। देन सिस्टम फंक्शनैलिटी, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स के से हमारा जो सिस्टम है उससे इंक्रीज हो रही है आउटपुट, इंक्रीज हो रही है क्वालिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का टाइम सेव हो रहा है तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज होगी, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कॉस्ट हमारी, डिक्रीज होगी एरर्स कम होंगी, इन सारी चीज़ बातों का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, डिक्रीज कास्ट का मतलब क्या है, डिक्रीज एरर का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा कि जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें हमेशा हमें इन बात सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इंटरनली सिस्टम के फैक्टर्स जितने भी हैं, सिस्टम जो है इंस्टॉल कौन से विंडो पे होगा, किस तरह के डेस्कटॉप के स्पेक्स देखी जाती हैं, मोबाइल स्पेक्स देखी जाती हैं, सिर्फ वही चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती, इंटरनल फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाते, बल्कि आउटसाइड होके हमें ब्रॉडर सेंस में आउटर फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, वो भी कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हम लोगों ने बात की, यूज़र इंटरफेस की हम लोगों ने बात की, टास्क फैक्टर्स की बात की, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। कंफर्ट फैक्टर्स जो हैं के आउटसाइड पे भी उतने ही वो फैक्टर्स जो हैं मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, HCI इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इट मींस HCI बहुत सी फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसमें बहुत सी फील्ड्स कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। कुछ फील्ड्स हैं जो ह्यूमन साइड पे इफेक्ट कर रही होती हैं और कुछ फील्ड्स हैं जो हमारे कंप्यूटर साइड पे इफेक्ट कर रही होती हैं। अब इन सब फील्ड्स का एक ब्रीफ लुक देख लेते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस जो इसके पीछे लाया कर रहा होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मीन्स
इसमें कुछ इसमें एक टर्म यूज़ होती है, एक नोटेशन यूज़ होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मीन्स इंसान जो भी अपने मेंटली वर्क कर रहा होता है, जो भी उसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो भी उसके सेंसेस हैं लाइक फीलिंग, टचिंग, टेस्ट, स्मेल, उन सब में क्या हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी सिंपली इंसान के मेंटल बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है। देन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, दिस फील्ड कंसर्न विद स्टडिंग द नेचर एंड काजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट से मुराद ये है जेंडर आइडेंटिटी, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, स्कूल एंड एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन। ये सब फैक्टर्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की। आफ्टर दैट एरोगोनॉमिक्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ओके। दिस इज कंसर्न विद डिफाइनिंग डिजाइनिंग टूल्स एंड वेरियस आर्टिफैक्ट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए हो। इस तरह के टूल्स बनाए जाएं, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिसकी वजह से यूजर को कंफर्ट मिले, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। एग्जांपल हार्डवेयर डिजाइन, ठीक है। कीबोर्ड को ले लेते हैं कि कीबोर्ड को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उसमें टाइपिंग बहुत इजी हो, यूजर की फिंगर्स में कोई भी स्ट्रेन वगैरह ना आए। एक टर्म है रिपीटिटिव स्ट्रेन इंजरी, दैट इज अ डिसीज। जो लोग बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं ना, उन्हें ये डिसीज हो जाती है। सॉफ्टवेयर डिजाइन ठीक बना रहे हैं, आउटपुट वेरिएशंस ठीक हैं, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। देन लिंग्विस्टिक्स, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक को जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज देर इज अ नीड टू डिवेलप नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, ओके। नेचुरल लैंग्वेज क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये चीजें अंडरस्टैंड करना, इसलिए हमें लिंग्विस्टिक की जरूरत होती है। देन आता है फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये बेसिकली डिफरेंट आइडियाज को देखते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर लाए करते हैं, मीन हाउ पीपल बिहेव इन सोसाइटी, हाउ पीपल बिहेव इन अ स्पेसिफिक कल्चर, ओके। अगर आप एक सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं किसी भी कंपनी में, तो जाहिर है उस कंपनी का कोई कल्चर होगा, है ना। वहां पे लोग कैसे काम करते हैं, ओके। सो दीज साइंसेस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ऑल द फिनोमिनास, ओके। ह्यूमन साइड हमने देख ली, उसमें कौन सी फील्ड्स आती हैं, किस तरह वो हमारी HCI में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर साइड, कंप्यूटर साइड पे कौन सी फील्ड्स हैं। AI है हमारी, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन है, तो ये कंप्यूटर साइड पे किस तरह इफेक्ट करती हैं, किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं। बेसिकली इन दीज डिसिप्लिन्स वी कंसर्न हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट कैन यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए बनेंगी, कैसे बनेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज क्या हैं, एल्गोरिदम्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या हैं, इंजीनियरिंग मेथड क्या है,
जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं एंड आल्सो डिज़ाइन टेक्निक्स. ओके, सो वी विल टेक थिंग्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन. तो आपने देखा ह्यूमन साइड, कंप्यूटर साइड, बहुत सी फील्ड्स हैं जो HCI में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, है ना. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अंडरस्टैंड दैट इन HCI विच इज कंसर्न्ड विद डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवॉल्वेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स. ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर सेकेंड लेक्चर. Stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.